क्या रोमन रेंज आने वाले रॉक के एपिसोड में पॉल हेमन के साथ दिखने वाले हैं, वो भी रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट? कौन कौन से रिमेनिंग सुपरस्टार ऐड होने वाले हैं मेंस टीम रॉक की साइट से, और कौन कौन से मैचेस WWE ने इस एपिसोड के लिए पहले से अनाउंस किए हुए हैं? जैसा कि आज है मंडे और टाइम होने वाला है रॉक के न्यू एपिसोड का, क्या क्या दिखने वाला है आने वाले इस एपिसोड में, सब पर नजर डालेंगे इस वीडियो में जो कि काफी कमाल की होने वाली है। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शुरुआत करें वुमेन्स डिवीजन से, तो रॉ वुमेन्स चैंपियन आस्का का सर्वाइवर सीरीज में शाशा बैंक्स के खिलाफ मैच अनाउंस हो चुका है। वहीं पीपीवी को होने में टाइम है और कुछ वीक से आस्का मैच लड़ते हुए भी नहीं दिखाई दे रही हैं। अब WWE के आस्का को कोई टेम्पररी अपोनेंट देगी, और अगर देगी तो कौन, यही देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि पीपीवी तक बिना अपोनेंट के तो WWE आस्का के लिए कुछ दिखा नहीं पाएगी। अब मुझे लगता है कि पैटर्न रॉयस या लेसी वन शायद आस्का की टेम्पररी अपोनेंट हो सकती हैं, जो कि एक छोटी सी फ्यूड में दिख जाती की हैं। जैसा कि लास्ट वीक WWE ने सर्वाइवर सीरीज में रॉक की साइड से जितनी भी वुमेन्स पार्ट लेने वाली हैं सबके नाम रिवील कर दिए थे। हालांकि WWE ने यहाँ चार वुमेन्स को तो नाम से ही अनाउंस कर दिया था बिना किसी मैच लड़वा के, बट हाँ एक मैच दिखा था जहां से लाना क्वालिफाई कर गई थी। तो कुल मिला के वुमेन्स टीम रॉ लास्ट वीक ही कम्प्लीट हो चुकी थी। अब पिछले कुछ हफ्तों से हम नाया जैक्स का लाना पर अनाउंस टेबल वाला अटैक देख रहे हैं। अब इस एपिसोड में हो सकता है कि नाया जैक्स फिर से लाना को टेबल वाला शिकार करने आए तो लाना उन पर पलटवार कर दें। लाना अपनी टीम के लिए थोड़ा वीक अपोनेंट साबित हो सकती हैं, इसलिए शायद कोई और वुमेन्स उन्हें रिप्लेस कर सकती है इस एपिसोड में। अब नेक्स्ट हमें अलायंस वर्सेस जेफ हार्डी के बीच गिटार ऑन अ पोल मैच दिखेगा। अब दोनों के बीच बहुत टाइम से गिटार फोड़ कंपटीशन चल रहा था। अब WWE ने मौका दिया है जिसमें दम है वो फोड़े किसी की पीठ पर गिटार, और शायद इस मैच में जो पोल से उतार के गिटार अपने अपोनेंट पर मार देगा वही जीत जाएगा। मैच अच्छा होगा, एंटरटेनमेंट से भरा होगा, जहां दोनों जम के जोर लगाएंगे इस मैच में। अब देखा जाए तो WWE अलायंस को पुश दे रही है, तो हो सकता है कि इस मैच में जीत अलायंस की हो जाए और वो फिर से एक बार जेफ हार्डी की पीठ पर गिटार मार के फोड़ देंगे। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कल मैंने Q&A वीडियो अपलोड करी थी, अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट मैच हमें WWE ने न्यू डे वर्सेस हर्ट बिजनेस के मेंबर शेल्टन बेंजामिन और सेड्रिक अलेक्जेंडर के बीच मैच अनाउंस कर दिया है। अब ये नॉन टाइटल मैच है, मैच दोनों टीम के बीच अच्छा दिखेगा। पिछले काफी टाइम से हर्ट बिजनेस रॉ पर दिख रही है, जिसने रेट्रीब्यूशन टीम को काफी बार हराया है, जिसका हल्ला WWE ने काफी मचाया था। अब हर्ट बिजनेस और रेट्रीब्यूशन के बीच वैसे भी काफी कुछ दिखाई दे रहा है, तो आने वाले एपिसोड में इस मैच के दौरान रेट्रीब्यूशन आके हर्ट बिजनेस पर अटैक करेगी और हो सकता है कि न्यू डे को भी लपेटे में ले ले। अब रेट्रीब्यूशन से ज्यादा उम्मीद बेकार है, कहीं ऐसा ना हो रेट्रीब्यूशन तो आए मारने लेकिन खुद पिट के चली जाए। अब टीम रॉकी साइड से मेंस टीम के लिए तीन सुपरस्टार क्वालिफाई कर चुके हैं, अब टाइम है बचे हुए सुपरस्टार के क्वालिफाई करने का। मुझे लगता है यहाँ WWE ब्रॉन स्ट्रोमैन का क्वालिफाई मैच किसी के साथ दिखाएगी, जहां ब्रॉन स्ट्रोमैन उसको डिफीट करके अपनी जगह सर्वाइवर सीरीज में टीम रॉकी साइड से पक्की कर लेंगे, जो कि फोर्थ पोजिशन पे होंगे। वही बचा हुआ एक स्टार शायद WWE आने वाले वीक में कन्फर्म करेगी, जो कि शायद सरप्राइज भी हो सकता है। वहीं लास्ट वीक WWE चैंपियन रैंडी ऑर्टन, ड्रू मैकइंटायर और फिंड के बीच जो कुछ भी दिखा, उसके बाद लग रहा है कि WWE कहीं इन तीनों के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच के लिए तो आगे नहीं बढ़ रही है। अगर ऐसा है तो लास्ट वीक ड्रू मैकइंटायर ने रैंडी ऑर्टन पर हमला करा था और फिंड ने कुछ भी नहीं करा था, तो आने वाले एपिसोड में हो सकता है कि फिंड रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकइंटायर दोनों पर अटैक करते हुए दिख जाए। अगर ऐसा दिखा तो ये पिक्चर साफ हो ही जाएगी कि आने वाले टाइम में इन तीनों के बीच WWE चैंपियनशिप के लिए फ्यूड दिखेगी। अब आते हैं एक ऐसे सरप्राइज पर जो हमें इस एपिसोड में दिख सकता है। सर्वाइवर सीरीज नेक्स्ट WWE का पीपीवी है, जिसके लिए दोनों ब्रांड आपस में भिड़ने वाली हैं। इंटरेस्टिंग ये देखना होगा कि कौन सी ब्रांड दूसरी ब्रांड पर पहले अटैक करती है। इस बार मुझे लग रहा है कि स्मैकडाउन की साइड से पहला अटैक करता हुआ दिखाई दे सकती है। वहीं सर्वाइवर सीरीज से पहले तीन स्मैकडाउन के और कल के रॉ के एपिसोड को मिला के तीन ही रॉ के एपिसोड बचे हैं, तो जो होना है वो जल्दी होगा, इसलिए उम्मीद है कि आने वाले रॉ के एपिसोड में रोमन रेंज रेड ब्रांड पर पॉल हेमन के साथ दिख करके रैंडी ऑर्टन को चुनौती देंगे या उन पर अटैक करते हुए नजर आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो रैंडी ऑर्टन के लिए मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी। रोमन रेंज के अलावा उनकी खुद की ब्रांड यानी कि रॉ पर उनके दो दुश्मन पहले से तैयार बैठे हैं। अब देखना यह है कि क्या क्या दिखता है आने वाले रॉ के एपिसोड में। तो फ्रेंड, ये थी आने वाले रॉ के एपिसोड का प्रीव्यू वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।